आगामी त्योहारों को देखते हुए आज डीएम महोदय और मेरे और अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो जनपद के संभ्रांत लोग हैं और जो धर्मगुरु हैं, सभी धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया गया है और उनके द्वारा आश्वस्त कराया गया है कि दोनों त्योहारों को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही प्रशासन और पुलिस की हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो ये हम लोग ये सिक्योर करेंगे कि सेफ, सिक्योर और पीसफुल तरीके से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम इन त्योहारों को संपन्न कराएं और किसी भी तरह का यदि कोई तत्व, शरारती तत्व किसी तरह की शांति व्यवस्था को भंग करने के प्रयास करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारे द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई तत्व माहौल ख़राब करने का प्रयास ना कर सके। आज हम लोग यहाँ पुलिस लाइन सभागार में आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग की है। कप्तान साहब भी उपस्थित थे, सभी हमारे सीओज और मजिस्ट्रेट, सभी जो हमारे थाना प्रभारी वो भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ धर्मगुरु मौजूद रहे और क्षेत्र की जनता भी यहाँ पर मौजूद थी। आने वाला महीना जो है वो सेंसिटिव है इस दृष्टिकोण से कि चुनाव की आचार संहिता भी लगी हुई है, साथ ही साथ रमज़ान का महीना चल रहा है और इसी समय के दौरान आने वाले कुछ ही दिनों में होली का पर्व भी हमें लोगों को मनाना है। तो इसी के मद्देनज़र ये मीटिंग हम लोगों ने कराई थी। मुझे यकीन है कि जो भी बातें हुई उन बातों को हमारे अधिकारियों ने नोट किया है। हम लोग पुख्ता इंतजाम करेंगे सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ जो साफ़ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्थाएं करनी है उसको भी अच्छे से कराएंगे और आने वाले समय में कोई भी घटना अगर होती है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे और किसी प्रकार से भी जो शांति व्यवस्था है उसको भंग नहीं करेंगे।